नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एलपीएस बोसाड के एमडी राजेश जैन की ओर से एमटीएफसी संस्था के कुल 336 बच्चों को दीपावली के उपलक्ष में उपहार भेंट किए गए। उपहारों का वितरण राजेश जैन की पोती स्वास्तिका और शिवन्या के हाथों से करवाया गया। राजेश जैन प्रत्येक वर्ष विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बच्चों को उपहार भेंट करते हैं ताकि कोई भी घर दीपावली के उपहारों से महरूम न रहे। राजेश जैन के निवास स्थान पर एमटीएफसी संस्था के सदस्य पहुंचे। संस्था सदस्यों में प्रेसिडेंट नरेश ढल समेत पूजा, आरती और अनीता शामिल थे। संस्था सदस्य पूजा का जन्मदिन भी निवास स्थान पर मनाया गया। सभी ने पूजा को शुभकामनाएं दी। नरेश ढल ने कहा कि राजेश जैन मात्र अपने परिवार की ही नहीं अभी तो पूरे जिले की चिंता करते हैं। हर मौके पर इनकी भूमिका अग्रणी रहती है। इनके पास धन समेत उदार हृदय है, तभी इतने बड़े बड़े सामाजिक कार्य संभव हो पा रहे हैं। एमटीएफसी संस्था में इनका बहुत बड़ा योगदान है। हर आवश्यकता में इन्होंने बच्चों की सहायता की है। इस अवसर पर राजेश जैन की धर्मपत्नी संध्या जैन, पुत्र उष्णवी जैन और राजीव जैन भी उपहार वितरण में शामिल रहे। सभी संस्था सदस्यों ने परिवार के सभी सदस्यों का आभार प्रकट किया। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास कल्याण की रिपोर्ट। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दीपावली के साथ साथ हम भैया दूज मनाते हैं, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा और फिर गुरु नानक देव का पर्व, उस सब की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली आप अपने परिवार के साथ इंडिया की ही बनी हुई चीज़ों के साथ बनाएं, जैसे कि दीपक हैं, लाइट्स हैं, कोई भी चाइनीज़ मेक इन प्रोडक्ट ना लें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसके लिए बार बार इसका संदेश दिया है कि भी हम अपनी ही बनी हुई चीज़ों के लिए से दीपावली बनाएं और दीपावली ऐसा ग्रीन दीपावली बनाएं। कम से कम आप पटाखे छुटाएं या उसको कोशिश करें कि भी हम ग्रीन दीपावली बनाएं। कोरोना अभी गया नहीं है, कुछ केसेस अभी निरंतर आ रहे हैं, तो जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है प्लीज़ वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए आप अपना दीपावली बनाएं और ये दीपावली का पर्व आपके घर में सुख शांति और दौलत लाए और माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। इसी के साथ सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।